आस्था के महापर्व के मौके पर धनबाद विधायक ने असमर्थ छठ व्रतियों के बीच किया साड़ी वितरण। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बुधवार को धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के दुर्गा मंडप, पुराना स्टेशन, कुम्हारपट्टी, हीरापुर, धौड़ा, धनसार, कुस्तौर 3 नंबर, इन सभी क्षेत्रों में सैकड़ों असमर्थ छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में भाजपा के नेतागण भी उपस्थित थे। साथ ही विधायक ने आस्था के इस महापर्व छठ को लेकर सभी छठ व्रतियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई भी दी। मम्मी को, माता जी को, दादी को लेने दो। सबको मिल जाएगा, सबको हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने छठ पूजा के गाइडलाइन में बदलाव को लेकर झारखंड सरकार को भी बहुत बहुत बधाई दी और लोगों से ये अपील किया कि घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस महापर्व को मनाएं ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नहीं, मैं लगातार जब से विधायक बना हूँ तब से हर साल दीपावली में दीप वितरण करते हैं और छठ में साड़ी वितरण होता है, तो वो अपना विधानसभा क्षेत्र में जगह 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 साड़ी वितरण करते हैं छठ व्रतियों, व्रती माताओं बहनों के बीच में, तो उसी का कार्यक्रम दिन भर है। आज परसों भी किए थे, कल भी किए और आज भी दिन भर। हाँ, आज लगभग हमको लगता है कि 8-10 जगह साड़ी वितरण का कार्यक्रम है और क्योंकि पूरा क्षेत्र मेरा अपना परिवार है तो इसी बहाने हम छठ व्रत की पूजा भी करते हैं, माता बहनों को इसी माध्यम से लोग तक पहुंचते हैं, हर घर तक कोशिश करते हैं, छठ व्रती लोग जो आवश्यक है जिनके यहाँ उन तक जाने की कोशिश करते हैं और ये मेरा लगातार हर साल ये चलता है।